झुंझुनू के सिंघाना के सिहोड़िया की ढाणी में एक बार फिर से लीज को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। खनन के विरोध में महिलाओं ने रास्ते पर पत्थर डालकर डंपर को रोक दिया। अब सूचना के बाद सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिलाएं लीज शुरू होने पर रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता रोके हुए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों से समझाइश की, प्रयास किए, लेकिन महिलाएं खनन के विरोध को लेकर रास्ते में बैठी रही। ग्रामीणों का कहना है कि लीज को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माइनिंग इंजीनियरिंग की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इस जगह की प्राकृतिक खनन योग्य नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से दबाव में काम कर रहा है। ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन किस तरीके से प्रदर्शन हुआ वो इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का प्रयास कर रहे हैं। लीज जो दिया गया उसको लेकर पूरा हंगामा यहाँ पर हुआ। बड़े बड़े पत्थर रखकर यहाँ पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सड़क मार्ग को जाम करके अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की गई। पुलिस की टीमें पहुंची, समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। आपको बता दें कि जो खनन हो रहा है उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है और तर्क यह है कि यहाँ पर जो खनन हो रहा है वो प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं है और इसको जो है प्रमाणित भी किया जा चुका, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। संदीप की ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। संदीप, क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों महिलाओं को पत्थर डालकर सड़क पर रोड जाम करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा? जी, मैं बता दूं कि सिहोड़ियों की डाणी में लगातार खनन को लेकर ग्रामीण और जो लीज धारक है उनके बीच में लंबा विवाद चल रहा है और आज अचानक ग्रामीणों ने जो डंपर है वो रोके और जब डंपर रोके तो पुलिस बल आया, लेकिन पुलिस के साथ भी काफी गहमागहमी हुई, बहसबाजी हुई, गर्मागर्मी हुई। अब वीडियो में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों में गुस्सा था पुलिस के खिलाफ भी, फिर पत्थर डाल के वहीं पर जाम लगा दिया। साथ ही साथ ग्रामीण, कुछ ग्रामीण अनशन पर भी बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से ये खनन हो रहा है, जबकि इस खनन से ग्रामीण काफी प्रभावित हो रहे हैं। उनके मकानों में दरारें आ रही है, उनकी जो रोड्स हैं वो पूरी से टूट गई है, लेकिन कोई भी इस समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि सभी लोग जो खनन माफिया है उनके साथ मिले हुए हैं। जी ठीक। अब इसमें सुनवाई की जहां तक बात हो रही है तो उनकी आखिर कब तक इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी, क्या आसार लग रहे हैं, कब पूरे मामले का शॉर्ट आउट हो पाएगा पूरा? संदीप जी, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी प्रशासन और पुलिस दोनों ये चाहते हैं कि लीज चले, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो लीज है जो खनन करने वाले लोग हैं वो वैध रूप से कर रहे हैं, लेकिन इस खनन से ग्रामीणों का ये आरोप है कि उनको तकलीफें हो रही है, उनकी तकलीफों का समाधान किया जाए, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए लंबे समय से ये दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है और समय समय पर दोनों पक्ष आमने सामने भी हो जाते हैं। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास जो है वो किया गया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है, सीधे तौर पर खनन को रोकना चाहते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।